दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अष्टम अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्ति के चरित्र के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। चलिए इसे विस्तार से समझ भी लीजिए। जो लोग नीच वर्ग के होते हैं वे दौलत यानी धन चाहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत अर्थात धन और सम्मान चाहते हैं। परंतु जो लोग उच्च वर्ग के अर्थात उच्च विचार के होते हैं वे सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत होती है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र जो कि है दीपो भक्षयते ध्यानतम कंचलम च प्रसूयते, यद अन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दीपक अंधेरे का भक्षण करता है या निगल लेता है, इसीलिए उससे काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, ठीक उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। चाणक्य के अनुसार अजीर्णे भेषजम वारी जाड़ने वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम, अर्थात जल अपच की दवा होती है। यदि जल भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो वह चैतन्य निर्माण में सहायक होता है। जल भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात जहां पर चाणक्य बताते हैं वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भाजनम च पराधीनम स्त्री पूसाम विडम्बना, अर्थात वह आदमी अभागा होता है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति इन तीन प्रकार के परिस्थितियों का सामना करे तो उसे आचार्य चाणक्य अभागा कहते हैं। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है जहां पर वे बताते हैं कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये भावे ही विद्यते देवस तस्मात भावो ही कारणम। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। देवता न काठ में न पत्थर में और न ही मिट्टी में रहते हैं, वे तो रहते हैं हमारे भाव में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परहा, अर्थात एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं निर्गुणस्य हतम रूपम दुशीलस्य हतम कुलम असिद्धेश हता विद्या अभोगे न हतम धनम। कहने का तात्पर्य यह है कि नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। चाणक्य के अनुसार विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम
विद्या लभते सर्व, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान व्यक्ति को अन्य लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं कि विद्वान पुरुषों को अपनी संपदा व संपत्ति केवल उचित पात्र को ही देनी चाहिए। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा स्वादिष्ट होता है। बादल वर्षा के रूप में वह जल पृथ्वी के चल या अचल सभी जीवों को देता है और फिर वह जल समुद्र को लौटा देता है। ठीक उसी तरह सुपात्र में प्रदान करने से उस संपदा का उचित मूल्यांकन होता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवः विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। अर्थात जो लोग दिखने में सुंदर है, जवान है, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वे बेकार हैं। यदि उनके पास विद्या नहीं होता तो वो पलाश के फूल के समान होते हैं, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अष्टम अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।